हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सोहनलाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा पे। अब जो हमारे क्लास 10 वाले बच्चे हैं, इनका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है बेटा। मैथ्स का एग्ज़ाम है आपका कमिंग 21 मार्च। तो काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी, भी उनको जो है कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए हमने गेम चेंजर सीरीज हमारा स्टार्ट किया है। और ये आज हम जो है वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। क्लास 10 का ये टॉपिक है और आज की जो क्लास रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आपके लिए, क्योंकि इसमें हम जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे बेटा। कंप्लीट टॉपिक आपका जो है इसमें रिवाइज होगा। ये आप सभी को पता है 6 से 7 मार्क्स का आपका ये टॉपिक आने वाला है। ठीक है, काफ़ी ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। हाँ बेटा जी, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इवन कि ये आपका जो है जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज होता है ये वाला चैप्टर आपका। तो पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं सभी, एक बार सब फॉर्मूला हम जो है देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले आपको जो है एक बार लर्न करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बच्चों मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को तो एक बार लर्न होंगे, फिर भी रिवाइज हम कर लेते हैं। तो जो बेसिकली हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। दो टॉपिक आपके एक टॉपिक आपका ऐसा है जो डिलीटेड है, जैसे कि फर्स्ट टर्म ऑफ अ कॉन, वो आपका डिलीटेड है CBSE से। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं बेटा। तो पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का जो आपका क्यूबॉइड में जो डायगोनल होता है, डायगोनल काफ़ी मेन रोल प्ले करता है बेटा। जो डायगोनल है काफ़ी मेन रोल प्ले आपका करता है। ठीक है, तो पहले डायगोनल को पढ़ लेते हैं। तो डायगोनल होता क्या है, जैसे आपका कोई रूम है और आपको कोई कहे इसके अंदर लॉन्गेस्ट रोड आपको रखना है आयरन का, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इसके डायगोनल के इक्वल होगा। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया का, जिसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं, 2l + b × h। इसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। कोई मान लिया बॉक्स आपका क्लोज्ड है तो उस हाँ उसका टोटल सरफेस एरिया हम लेते हैं तो क्या होगा बेटा, 2l × b × h × l। ऐसे ही आपका जो वॉल्यूम है वो रहता है बेटा l × b × h। फिर हम बात करते हैं क्यूब। क्यूब आपको पता है बेटा स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होती है, तो उसको हम जो है क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं। इसका जो एज है वो a है। तो इसके डायगनल की यदि हम बात करें तो √3 × साइड। कर्व सर्फेस एरिया इसका 4a², टोटल सर्फेस एरिया की बात करें 6a² बेटा, और वॉल्यूम है वो होगा आपका a³। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें 2πrh + r, क्योंकि इसमें दोनों जो बेस और टॉप दोनों को हम इसमें ऐड करते हैं। कई सिचुएशन ऐसी आएंगी जिसमें बेस की तरफ से या टॉप की तरफ से खुला होगा, तो आप कर्व सरफेस लेके और जिस साइड से वो क्लोज है वो उसमें ऐड कर सकते हो आप 2πrh + πr². लेकिन ये हम बात कर रहे हैं क्लोज, मतलब ऊपर नीचे से बंद है, तो 2πrh + 2πr², तो जो कि आपका बन जाता है कॉमन लेके 2πrh + r। ठीक है, ऐसे ही इसका जो वॉल्यूम है वो होगा πr²h। फिर हम बात करते हैं कोण का बेटा। कोण का कर्व सरफेस πrl, जहाँ पे जो l है हमारा वो किसके इक्वल होगा, r² + h². यदि हम बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया πrl + r। और ऐसे ही हमारा जो वॉल्यूम है वो होगा 1/3πr²h। फिर हम बात करते हैं स्फीयर बेटा, 4πr², स्फीयर का तो एक ही सरफेस होता है, तो इसलिए इसका जो टोटल और कर्व दोनों सेम ही होते हैं, 4πr², ये भी 4πr². फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम का, 4/3πr³, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट में चलते हैं बेटा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस 2πr², लेकिन टोटल इसका 3πr² हो जाएगा। जो टोटल है इसका वो 3πr² हो जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे हम किसी बॉल को बीच में से काटे ना, एक सरफेस उसका सर्कुलर हो जाता है, तो 2πr² में πr² ऐड करेंगे, 3πr² आपका बन जाता है। फिर हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम, 2/3πr³। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला सीट था बेटा, इसका चाहे तो आप
आपने बल्कि रूम में आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10 में ही यूज़ होगा। जैसे आप मैथ्स आगे पढ़ोगे ना तो वहाँ पे भी आपका ये यूज़ होने वाला है बेटा, ठीक है। चलिए अब दो से आपके रह गए बेटा, होलो सिलेंडर। देखिए ना होलो सिलेंडर, जैसे ये आपका होलो सिलेंडर है, तो ये आपका क्या होता है बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाँ जी, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे इसकी थिकनेस होती है, जैसे मैं टी से डिनोट किया, ये इसका थिकनेस है। तो इसमें इनर रेडियस, जैसे ये इनर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यदि हम बात करें ये, तो ये इसका आउटर रेडियस है, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको सरफेस कितने मिलेंगे, एक तो आपका इनर सरफेस है, ये इसका इनर सरफेस, अंदर वाला सरफेस होगा, तो इनर सरफेस एरिया इसका लेंगे ना, तो ये अंदर वाला होगा बेटा, ये अंदर से, ये इसका इनर सरफेस है। फिर हम बात करते हैं इसका, ये किसके इक्वल होगा, 2πRH के, ये हमारा इक्वल होगा 2πRH। यदि हम बात करें इसका आउटर, ये इसका आउटर सरफेस है, ये वाला, ये कंप्लीट जो है ना इसका आउटर सरफेस है, तो ये क्या होगा, 2πRH कैपिटल आर एच। अब इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कई बार पूछ लेता है होलो आपका सिलेंडर है या होलो सिलेंडर की शेप में कोई कंटेनर है उसका टोटल सरफेस निकालना है, तो बच्चे फॉर्मूला लगा देते हैं टोटल वाला। नहीं बेटा, इसमें कितने सरफेस आपको नजर आ रहे हैं, इसमें आपको 3 सरफेस नजर आएंगे, ठीक है। एक सरफेस तो आपको मैंने बता दिया था, एक सरफेस तो इसका आउटर होगा, एक इसका इनर होगा, और एक सरफेस आपका ये वाला है, ये भी एक सरफेस होगा, ठीक है, ये भी एक सरफेस होगा। और ये आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, ये एक आपको सर्कुलर रिंग नजर आ रहा है, ये एक रिंग है, ठीक है। तो रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो इसलिए 2 लगाया है यहां पे, क्योंकि दो रिंग है, एक ऊपर एक नीचे। तो कोई भी आपका होलो सिलेंडर है उसका हमें होल सरफेस लेना है, तो तीनों सरफेस लेंगे, इनर प्लस आउटर प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स होंगे। यदि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन कई बार आता है, इसको बनाने में कितना मेटल लगा है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, अंदर से तो ये खोखला होता है, अंदर से तो होल होता है, तो सिर्फ हमने इसका ढांचा स्ट्रक्चर बाहर वाला किया है, और उसके लिए क्या करते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, जिसको हमने लिखा है आगे कॉमन लेके, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं बेटा जी वॉल्यूम ऑफ अ होलो सिलेंडर। ये तो बात की हमने होलो सिलेंडर की, ऐसे आपका होलो स्फीयर भी आता है, कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ये इसका थिकनेस है, ऐसे है जैसे आपका बॉल होता है, लेदर का बॉल है, ये टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल, यदि हम उसको बीच में से काट देते हैं तो सिर्फ अंदर से तो खोखला होता है, तो यहाँ पे मटेरियल लगा होता है ना। तो इसमें इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³ - r³, क्योंकि सरफेस तो हमें बाहर से इसका आउटर ही नजर आएगा, इसका आउटर सरफेस नजर आता है, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर है, होलो हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम लेंगे तो वही 2/3 πr³ - r³ हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अलग से क्वेश्चन आपका आ सकता है, भाई इसमें सरफेस कितने नजर आएंगे आपको, एक तो इनर सरफेस, आउटर सरफेस, और एक ये वाला सरफेस बीच में नजर आएगा, ये वाला भी एक सरफेस है इसमें। तो इसका ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पेंट करना है, मान लिया कोई आपका जैसे पेन होता है ना, पेन को पेंट करना है, तो हमें पेंट कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, इनर सरफेस पे करना पड़ेगा 2πr², आउटर पे करना पड़ेगा 2πR², और एक इसका जो ऊपर किनारे ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ये भी आपको किनारे नजर आ रहे ना, ये वाले, ये एक इसका भी आपको करना पड़ेगा बेटा। तो इसका क्या होगा, हाँ बेटा जी, इसका क्या होगा बच्चे, तो इसका होगा हमारा, हाँ बेटा, तो ये भी एक आपका रिंग है, पाई R² - R², यदि कहीं काफी कम चांसेस है फिर भी आ जाता है, तो हमें रेडी रहना है हर चीज के लिए, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करें, बच्चों को यही नहीं पता होता कर्व कब लेना है, टोटल कब लेना है, तो कंफ्यूजन होता है। तो जिस पार्ट को हम जो है क्या कर सकते हैं बेटा, टच कर सकते हैं, तो वो हम जो है वो कर्व सरफेस होगा आपका, वो आपका सरफेस एरिया होगा। अब जैसे हमने क्या किया, हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया, भाई नीचे जो है क्या बना दिया, अब जैसे नीचे मान लिया मैंने क्या बनाया, एक हेमिस्फीयर बना दिया, और ऊपर मैं बना रहा हूँ इसके क्या बेटा, ऊपर एक कोन बना दिया, ठीक है। मुझे सरफेस कौन कौन सा नजर आएगा इसमें, इसमें से सरफेस मुझे सिर्फ एक तो ये नजर आएगा, इसका कर्व सरफेस मुझे नजर आने वाला है, और इसका भी कर्व नजर आने वाला है, तो टोटल तो किसी का भी नजर नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जब भी हम एक चीज़ को दूसरे के ऊपर रख रहे हैं ना, जब तक वो सॉलिड ना हो, तो हमें क्या लेना है, कर्व सरफेस लेना है, ठीक है, ठीक है बेटा जी। चलिए ये तो बात होगी भी हमें टोटल कब लेना है और कर्व कब लेना है। अब रही बात जो हमारा टॉपिक है,
जो पहला टॉपिक है आपका, मतलब काफ़ी आपका जो टॉपिक ये इजी हो गया है, तो इसमें दो ही टॉपिक आपके बचे हैं, तो कौन सा टॉपिक बचा बेटा? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स गिवन है आपके पास, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक फिगर बना है उसका हमें क्या लेना है बेटा? सरफेस एरिया लेना है। अब बात वही पे आपकी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, भी आपको यही नहीं पता लगता किसका कर्व लेना है, किसका टोटल लेना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे बेटा, प्रैक्टिस से आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, टर्न बाय टर्न दोनों का, पहली बात तो इनकी मेजरमेंट आपने लिख लेनी है, इनका मेजरमेंट आपका क्लियर होना चाहिए भी किसका मेजरमेंट क्या दे रखा है। ठीक है, फिर आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि सी एस से लेना है या टी एस से लेना है। ठीक है, तो तभी कहते हैं ना, जो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जब हम टॉपिक यानी कि मेंसुरेशन करते हैं, इसका पिक्चर आपके माइंड में बन जाना चाहिए भी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स ऑफ एजेस 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, नेम द सॉलिड्स ऑफ फॉर्म। तो इन तीनों को जैसे मान लिया आपके 3 रूम हैं और वो क्यूब की शेप में है, 3 रूम्स दे रखे हैं वो क्यूब की शेप में है, और हमने क्या किया बेटा, उन रूम्स को बीच का दीवार निकाल के जोड़ दिया। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसका डायग्राम। हाँ बेटा, तो ऐसा हमारे पास 3 क्यूब था बेटा, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। ये 3 क्यूब्स को हमने मिलाया और तीनों को मिला के हमने क्या बना दिया, तो तीनों की ये वाली दीवार में रिमूव कर देता हूं ये वाला, तो ये टोटल इसका लेंथ हो जाएगा, यहां तक इसका जो है ना टोटल लेंथ हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तक इसका टोटल लेंथ बन जाएगा बेटा, और जो इसका विड्थ था, जो इसका विड्थ था ना, विड्थ, ये इसका विड्थ है यहां से यहां तक, ये तो सेम ही रहेगा और हाइट भी सेम रहेगा, सिर्फ किसमें चेंज आना है, सिर्फ इसका लेंथ चेंज होगा, और एल बी एच जब तीनों अलग अलग होंगे हमारे, तो ये क्या बन जाएगा, पहली बात तो क्या बनेगा इससे, क्या बनेगा इससे, क्यूबॉइड बनेगा भाई, इससे हमारा एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्यूबॉइड बनने वाला है, तो क्यूबॉइड इससे बनेगा बेटा, तो इसका लेंथ क्या होगा, तो क्यूबॉइड का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म, तो क्या होगा बेटा इसका लेंथ, यदि हम बात करें भाई इसका लेंथ क्या होने वाला है, एक मिनट मैं थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेता हूं। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे बेटा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, इसे क्यूबॉइड बनाए सो फॉर्म्ड, तो वो होगा आपका 15 प्लस 15 प्लस 15, तो ये 45 हो गया, ये आपका 45 आ गया। ठीक है, ब्रेड सेम रहेगा, ब्रेड पे कोई फैक्ट नहीं आएगा, 15 सेंटीमीटर, और यदि हम बात करें हाइट, तो हाइट क्या रहेगा बेटा, तो हाइट भी इसका सेम होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रही बात इसका सरफेस एरिया लेना है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका यदि हम लें, तो फॉर्मूला आता है ना हमें, 2 LB + BH + HL, तो 2 ये था आपका 45 × 15, ठीक है, B × H यानी कि 15 × 15, H × L 15 × 45, ठीक है, तो 15 से करेंगे, 45 को 15 से करेंगे, ठीक है, तो 675, ये 225, अगेन 675, ये आ गया, तो 675 + 225 ये आपका 1000, तो ये आ गया आपका 1675, को 2 से करेंगे ना, तो कितना हो गया बेटा, 3350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब पिक्चर उसका मायने बनेगा। अभी क्या बना रहे हैं हम, उससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आ सकती है, यदि हम कहते हैं ना, ये तो हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया उसको साइड बाय, यदि हम करते हैं उसको ऊपर नीचे करते हैं एक को दूसरे के ऊपर, तब हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, तब उनका हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। और आगे पीछे करेंगे वन आफ्टर अदर तो क्या होगा, तो उनकी विड्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, समझे, आंसर सेम आएगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन जब करोगे ना, ये एग्जामिनर देखेगा अब इसको ये क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बस वो चेक करेंगे बेटा। ठीक है बेटा जी, चले आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कॉन ऑफ सेम बेस डायमीटर 1.5 मीटर, 1.4 मीटर एंड हाइट 2.1 मीटर, इफ द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 4.5 मीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। जो हमने टेंट बनाया है वो कैनवास से बनाया है, तो इसको बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। पहले तो इसका डायग्राम यदि हम बनाएं तो कैसा बोला है बेटा, से सिलेंडर की शेप में है सरमाउंटेड बाय अ कोन। अच्छा कई बच्चों को तो इसी में प्रॉब्लम होता है, सरमाउंटेड है या माउंटेड है, सरमाउंटेड बाय अ कोन है मतलब कोन इसके ऊपर है। तो किस तरह का डायग्राम आपका है ये, तो नीचे एक सिलेंडर है, नीचे एक सिलेंडर है ठीक है, ऊपर एक कोन है, तो ऐसा कुछ आपका ये टेंट है, ऐसा कुछ आपका ये टेंट है। और खास बात है इस टेंट का जो टोटल हाइट दे रखा है ना, इसका जो टोटल हाइट है, यदि हम बात करें टोटल हाइट वो कितना है, वो है 4.5 मीटर। ठीक है, और यदि बात करें हम सिलेंड्रिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट का दे रखा है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट का, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो है 2.1 मीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इसका हाइट है बेटा जी 2.1 मीटर, और जो पूरे का हाइट है, पूरे का जो हाइट है वो है 4.5। ठीक है, और रेडियस हमारे पास गिवन है 0.7, डायमीटर है 1.4, लेकिन तो रेडियस कितना होगा बेटा इसका, 0.7 होगा। ठीक है, तो ये काम है, पहले हमें क्लियर कर लेना है हमारे पास मेजरमेंट क्लियर है कि नहीं है, पूरा है कि नहीं। तो हाइट हमारा 4.5 मीटर है, अब हाइट किसका गिवन है बेटा, ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है 2.1 मीटर। तो यहां से यदि मैं निकालूं हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है, वो कितना है बेटा, तो 4.5 टोटल है, उसमें से 2.1 माइनस करेंगे 2.4। रेडियस दोनों का सेम है, बेस डायमीटर सेम था, तो रेडियस सेम हुआ 0.7 मीटर ये। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा गिवन है बेटा जी, मेजरमेंट हमारे पास गिवन था, वो हमने नोट कर लिया है। अब करते हैं इसको, निकालना क्या है, पहले तो देखना है इसको बनाने में कैनवास कितना लगा है, इसको बनाने में कैनवास कितना लगा है पहले वो चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। तो हमने पहले क्या बनाया बेटा, नीचे सिलेंडर बनाया है, ऊपर कोन बनाया, देखो किसी का भी बेस बनाने का जरूरत नहीं है, यहां से भी खुला है यहां से भी खुला है, दोनों जगह से खुला है, किसी का भी बेस बनाने का जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ कैनवास यूज इक्वल्स, तो क्या लिखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। चलिए ये तो हमने पता लगा लिया, अब रही बात इसको सोल्व कैसे करना है। फॉर्मूला आता है, जैसे सिलेंडर है 2πr h होता है, ठीक है, कोन का होता है πr l, ठीक है। अब कोन का l नहीं है हमारे पास,
तो क्या लिखेंगे, एल किसके इक्वल होगा, हमारा किसके इक्वल था बेटा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। ठीक है, तो आर हमारे पास कितना है बेटा जी, अभी हमने लिखा है 0.7, तो ये 0.7 है। एच कितना है, एच जो आपका कॉनिकल पार्ट है उसका एच आया है 2.4 मीटर। ठीक है, 0.7 का स्क्वायर लेंगे 0.49, ये लेंगे 5.76, दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, 6.25 आ गया। ठीक है, दोनों को यदि हमने ऐड किया तो ये 6.25 आ गया। अब यहाँ से यदि हम निकालूं बेटे स्क्वायर रूट 6.25 का, आप डेसिमल लगाना चाहे तो डेसिमल लगा सकते हो, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया इसका एल। तो वही बात हुई ना भी, पहले हमारे पास देखना है क्या मेजरमेंट कंप्लीट है कि नहीं है। तो मेजरमेंट हमने ले लिया बेटा जी, तो मेजरमेंट हमने ले लिया ना। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे इसका एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, 2πrh और ये पाई आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है, आपके पास दो तरीके हैं, आप इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को इनको अलग अलग कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे दोनों में से। क्या कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन है पाई और आर कॉमन आ गया, ऐसा करने से आपका जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाता है। तो ये तो बन गया 2h + l, तो पाई 22/7, रेडियस 0.7, हाइट, ये हाइट हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट विच इज 2.1, और ये आया हमारा 2.5। सबका वैल्यू हमने लगा दिया, इसको कैंसिल करना चाहो कर सकते हो आप, 0.1, 0.1 को 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2.2 आ गया, और ये 4.2 + 2.5, तो 2.2 ये हो गया बेटा, 4 × 6.7, ये आपका 6.7 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.2 से, मल्टीप्लाई आप कर दिया करो, ये जो डेसिमल है इसको हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये है 1474, ये 1474 आ गया बेटा। ठीक है, डेसिमल लगाना है 2 के बाद, तो 14.74 m². ये एरिया ऑफ कैनवास आ गया है जो इसमें यूज हुआ है। अब क्या करना है बेटा, कोस्ट निकालनी ना, तो क्या लिखोगे, कोस्ट ऑफ 1 m² कैनवास, दैट इज कितना बेटा जी, वो है हमारा ₹500, वो 500 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 14.74 m² कैनवास, तो 500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 डेसिमल हटाना तो ऐसे कर सकते हो आप, चाहे 20 कैंसिल होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ओ सॉरी, ठीक है 7 आया ना, ये आ गया ₹7,370, ये कॉस्ट आएगा इसका कैनवास का, इसको बनाने में जो कैनवास लगा है उसका कॉस्ट आएगा 7,370। ठीक है बेटा जी, को प्रॉब्लम, को प्रॉब्लम बेटा, है तो बताओ, है तो बताओ बच्चे, बोलो बोलो जल्दी। चलो अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बेटा जी, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया, फ्रॉम अ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक, ये क्वेश्चन आने के चांस हैं दरबार इस बार, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एच 7 cm,
लार्जेस्ट पॉसिबल, द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कौन कौन कॉनिकल पीस है ये, कॉनिकल पीस इज कट आउट हुज बेस इज ऑन वन ऑफ इट्स फेस, वन ऑफ इट्स फेसेस, ठीक है, ऑफ द क्यूब, तो आपको निकालना क्या होगा, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें काफी सारे, मतलब कहता हूं 99% स्टूडेंट इससे मिस्टेक करते हैं, 99% स्टूडेंट इससे मिस्टेक करते हैं बेटा। तो क्या करते हैं, जहां भी लेफ्ट आ गया या रिमेनिंग आ गया ना, उन्होंने सोच रखा है भी जहां भी लेफ्ट आ जाए या रिमेनिंग आ जाए तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो जबकि है क्या आपके पास, अब ये हमारे पास ऐसा कोई जो है, ये ऐसा क्यूब क्यूब था बेटा जी, हाँ जी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें से यदि हम निकालते हैं बेटा, एक इसमें से हमने एक कॉनिकल पार्ट निकालना है, कॉनिकल पार्ट इसमें से निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, उसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी, चलो। अब इसमें से निकाला क्या है बेटा, इसमें से निकाला क्या है, इसमें से निकाल लिया एक कॉनिकल पार्ट। पहले तो मुझे ये बताओ, लार्जेस्ट जो कॉनिकल इसमें से निकल सकता है, कॉनिकल पीस हमने निकाला है, उसका हाइट क्या हो सकता है? तो उसका हाइट तो जितना हाइट इसका है उसके इक्वली हो सकता है ना बेटा, वो तो इसके इक्वली हो सकता है क्या, नहीं बताओ जल्दी, ऐसे ही हो सकता है ना, तो इसका हाइट क्या होगा? हाँ बेटा जी, पहले तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ, पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, हाँ बेटा यहां से देखते हैं, तो यहां से पहले हम इसका सॉल्यूशन यदि करें तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल कौन, तो वो इसके एज के इक्वल होगा बेटा, वो इसके एज के इक्वल होगा, एज ऑफ क्यूब दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही रेडियस क्या होगा, रेडियस भी सेम इसी के इक्वल होगा बेटा, रेडियस भी एज सॉरी रेडियस होगा, डायमीटर होगा, ये इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर भी किसके इक्वल होगा बेटा, डायमीटर भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ये आ गया। ये दो चीजें तो हमने कर ली बेटा, अब मैंने इसमें से रिमूव किया है, इसमें से यदि मैं रिमूव करता हूं ना, तो ये चीज मैंने रिमूव कर दी इसमें से, ये वाला, तो मेरे पास क्या क्या बना बेटा, तो क्या क्या बनेगा, एक सरफेस तो मेरे पास है ये, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सॉलिड लेफ्ट। तो क्या लेंगे बेटा? तो पहले तो हम ले लेते हैं टीएसए ऑफ क्यूब प्लस टीएसए ऑफ क्यूब लिया बेटा हमने, ये पूरा ले लिया क्योंकि सॉलिड था हमारा ये। अच्छा, उसमें से ये चीज हमने रिमूव किया है तो यहां भी तो एक फिगर बन गया। तो ये भी हमारा क्या बन गया बेटा, ये वाला भी ये एक सरफेस बन गया, ये भी एक सरफेस बन गया। प्लस पाई आर एल हो जाएगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। लेकिन आपने एक चीज का नोट किया बेटा, यहां पे तो सरफेस बचेगा ही, इसका टोटल मैंने लिया है, क्या ये वाला सरफेस कुछ बचने वाला है मेरे पास? ये वाला माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन। ठीक है, ये था बेटा जी। तो पहले हम लेते हैं क्यूब का, तो ये हो गया 6a स्क्वायर, कॉन का है पाई आर एल और ये -πr² ठीक है। एल निकालेंगे इसका, पहले एल निकाल लेना, एल क्या होगा बेटा r² + h² तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 ये 2 टाइम हो गया, जब भी ऐसा करें ना, कई बच्चे 49 लिखेंगे तो आप यह चेक कर पा रहे हो 7 आपका 2 टाइम हो गया, तो 7 स्क्वायर का तो √7 आ जाएगा, ये √2। ठीक है, आप निकाल लिखो यहाँ पे वैल्यू, तो ये बन गया मेरे पास 6a स्क्वायर 6 × 7 का स्क्वायर पाई आर एल 22/7। रेडियस कितना बेटा जी? अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, आप लोगों ने बताया नहीं, क्योंकि ये 7/2 होगा, इसका जो रेडियस था ना वो 7/2 होगा, तो यहाँ पे हम इसको 7/2 लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। चलो ठीक करते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 रेडियस, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 7 था, तो ये हो गया आपका 49/4 + 49। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, 49 + 49 को 4 से करेंगे 196, तो ये आ गया आपका 245/4। 245 का यदि मैं स्क्वायर रूट लूँ ना बेटा, क्या आएगा बच्चे, तो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 7√5, क्योंकि 5 पे डिवाइड हो रहा है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं 5 × 49, ठीक है, ये √4, तो ये 7√5/2 ऐसा कुछ आ गया। √5 की वैल्यू लगाना चाहो तो आप कर सकते हो बेटा, 2.23 लगा लेना इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा जी, तो इसका जो L है वो कितना आ गया हमारा, इसका जो L है वो आ गया है हमारा 7 × 2.23/2 करो, 27 से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करते हैं तो 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 7.95 cm अप्रोक्सीमेटली आए, 7.95 cm अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा जी, तो आप लिखते हैं इसका क्या टोटल सरफेस एरिया, वो था हमारा 6a² + πr l - πr² ये था। तो 6a है 7, पाई 22/7, रेडियस कितना है बेटा 7/2 और एल आया है 7.95 प्लस सॉरी माइनस था, -22/7, 7/2, 7/2 ऐसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो भी कैंसिल होता है कर सकते हैं हम, जैसे 7 से 7 कैंसिल हो गया 2 पे 11 आ गया, यहाँ पे एक 7 से 7 कैंसिल 2 पे 11, तो ये आ गया आपका 6 × 49, ये 11 से करते हैं 11 × 7.95 हाँ जी 7.95 ठीक है, और -11 × 7 = 77/2 ये आ गया। तो इसको किया मैंने 294, इसको 11 से करते हैं बेटा
हाँ जी ये आ गया, ठीक है। अरे हाँ बेटा 87, 87.45 माइनस ये 38.5, ये आ गया बेटा जी। तो इनको ऐड करते हैं, 294 में ऐड कर दो आप 87.45। हाँ बेटा जी 381, और उसमें से माइनस करना है 38.50। थ्री फोर्टी टू पॉइंट नाइन फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन से बचना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आपको आएगी, थोड़ा हम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है बेटा। ओके बच्चे, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो आपको वैल्यू देगा हो, जैसे इसमें रूट टू का वैल्यू दे रखा था ना, तो रूट फाइव का वैल्यू आपको देगा वो, 2.23 जो भी लेना आपने, ठीक है। ओके बेटा जी चले आगे, चले आगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया मैंने 2.2 की है। अब नेक्स्ट है बेटा जी, ये तो हमने लिया सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ऐसे ही हम ले सकते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ये लगा लो, दो तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बेटा, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक आपका कॉम्बिनेशन ऑफ उनका सरफेस एरिया निकालना आ जाएगा, एक में वॉल्यूम निकालना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। दो तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होने वाला भाई। क्या कंफ्यूजन आपको इसमें रहेगा, इसमें क्या है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे, दैट्स इट। इसमें तो और भी आपका इजी रहेगा बेटा, ये तो आपका और भी इजी रहेगा। और इसमें लगभग आपको जो क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम वाला, वो आपका बनेगा बेटा जी डेंसिटी वाला आएगा, मतलब वेट निकालने वाला, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे एन आयरन पॉल, एन आयरन पिलर हैज लोअर पार्ट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। नीचे तो एक सिलेंडर है, एंड इट्स अपर पार्ट इज अ कोन ऑफ सेम बेस, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 मीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 7.5 ग्राम। तो ये आपके पास गिवन है बेटा, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसमें हमारे पास एक ऐसा पिलर है जो नीचे, तो क्या है नीचे उसके, एक सिलेंडर है नीचे, कुछ सिलेंडर आपका इस तरह से है, हाँ जी, ये इस तरह से सिलेंडर है नीचे, ठीक है बेटा। और ऊपर क्या बन रहा है, एक ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है एक, हाँ जी। तो ये आपका नीचे तो सिलेंडर है, और ऊपर है इसके कौन, ऐसा कुछ पिलर है हमारे पास, ही ऐसा पिलर है, ठीक है। आप पहले मैंने कहा था ना मेजरमेंट हमारे पास होनी चाहिए, तो लिख लेते हैं, हमारे पास दो फिगर हमें नजर आ रही है, नीचे सिलेंडर ऊपर कौन, तो रेडियस लिख लेते हैं पहले, तो दोनों का रेडियस तो सेम है, दैट इज 8 सेंटीमीटर, एंड वी हैव गिवन हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कितना है बेटा, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है 240 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट वो कितना है बेटा जी, कॉनिकल पार्ट का हाइट कितना है, कॉनिकल पार्ट का हाइट है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है, अब निकालना क्या है, पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पिलर, पहले हम लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ पिलर, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पिलर, तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस
वॉल्यूम ऑफ कॉन। आप चाहे तो दोनों का अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे सिलेंडर है पाई, रेडियस सेम है दोनों में, इसलिए आर से डिनोट कर दिया, लेकिन हाइट अलग अलग है, तो हाइट के लिए हम अलग से यूज कर सकते हैं बेटा जी, H1H2। हाइट के लिए हम अलग से यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, यहाँ से पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। इधर क्या रहेगा बेटा, H1 + 1/3H2, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लगा सकते हैं, जैसे किसी पाई गिवन था कि पाई 22/7, जब गिवन ना हो तो 22/7, या पाई में भी आंसर छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। लेकिन 99% केसेस में आपको पाई का वैल्यू देगा। तो पाई 22/7 है, रेडियस इसका 8 था ना बेटा, रेडियस 8 था बेटा जी, ये रेडियस 8 गिवन है। और फिर हमने देखा H1 यानी कि कोनी सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है 240 है, और कॉनिकल पार्ट का हाइट 36 है। बिल्कुल इजी रहेगा यदि आप कॉमन लेके करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, 3 * 3 ये 12 एक आंसर। तो ये आ गया आपका 22/7, 8 * 8 से करेंगे 64, 240 + 12 तो ये 252 हो गया ना, ये 252 बन गया बेटा। तो 7 पे कैंसिल करते हैं, 36 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा है बेटा, 22 * 64 * 36, ठीक है। पहले 36 को 22 से करते हैं, 792, 792 का 64 से कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बस थोड़ा आलस आता है, आलस आता है। ये आ गया 506, 5 06 88 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा जी, ठीक है बच्चे। ये तो आ गया इसका बेटा, ये क्या है इसका, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब बोला क्या था इसने, हम इसका वेट निकालना है, इसका वेट हमें निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा नेक्स्ट पे, क्या लिखेंगे, हाँ बेटा वेट ऑफ पिलर, मास निकालना है इसका मतलब। तो मास का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया था, 50,688 मल्टीप्लाई 7.5, 7.5 है ना, हाँ तो ये 7.5, डेसिमल हटाना तो नीचे 10 लगा सकते हो, कैंसिल हो जाएगा ये, 5 * 2 = 10, 5 * 15, थोड़ा सा इजी कर लिया करो, 2 पे ये कैंसिल करेंगे ना, ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री एट जीरो वन सिक्स जीरो, ठीक है, 380160 ग्राम आया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं इसको, डिवाइड बाय 1000, 10 तो कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिखूं 380.16 kg, ये इसका वेट आ गया बेटा जी, ये इस पिलर का आपका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो मेन है, एक तो घबराना नहीं है बेटा, फॉर्मूले जिन बच्चों ने अब तक लर्न नहीं किया ना, जिन बच्चों ने अब तक फॉर्मूले लर्न नहीं किए, एक तो फॉर्मूले लर्न कर लो, कुछ भी अलग से इसमें नहीं आएगा, बस कॉम्बिनेशन देखना है। एक जब भी हम स्टार्ट करेंगे नए क्वेश्चन करने, एक चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, एक इनकी मेजरमेंट लिख लिया करो बेटा, मेजरमेंट आपने लिख लेनी है, और क्वेश्चन का डायग्राम बनाए बिना मत करना, क्वेश्चन का डायग्राम आपका बन जाएगा ना, और माइंड में पिक्चर बन जाएगी क्या कहना चाह रहा है। तो फॉर्मूले लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले तो हर कोई लगा सकता है, ठीक है, लर्न करना मतलब फॉर्मूले लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, लगाना जिसने सीख लिया ना, जिसने फॉर्मूले लगाना सीख लिया तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा जी। तो ऐसे ही हम हर चैप्टर्स के वन शॉट आपको देंगे बेटा, हर चैप्टर के वन शॉट मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बेटा।